नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक पर टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अब पुलिस रिमांड पर पूर्व स्वास्थ्य निदेशक। चिड़गांव के संदासू में मिला कोरोना पॉजिटिव। 28 मई से बिगड़ेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। पंचायती राज मंत्री बोले, सैनिटाइजर घोटाले के आरोपी नहीं बचेंगे, जांच में जुटा विजिलेंस। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की प्रक्रिया शुरू, भारतीय मिशन में होगा पंजीकरण, डीसी ऊना ने दी जानकारी। नगरोटा में बीज लेने उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। पावटा माजरा में 70 लोगों के लिए सैंपल, कुछ पुलिस महिला कर्मचारी भी शामिल। द्रंग के थरकी में आग का तांडव, पशुशाला राख। और अब समाचार विस्तार से। रिश्वत के वायरल ऑडियो केस में आरोपी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को अब पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि इससे पहले केवल न्यायिक हिरासत पर लेने पर विजिलेंस ब्यूरो पर सवाल उठे थे। इन्हें मंगलवार को शिमला की अदालत में पेश किया गया और इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ने भी अदालत में बेल के लिए दोबारा आवेदन किया है, जिस पर 28 मई को सुनवाई होगी। शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू के अंतर्गत रेस्ट हाउस संदासू में संस्थागत क्वारंटीन किए गए एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 34 वर्षीय व्यक्ति चिड़गांव के रहने वाले हैं और पुणे से 19 मई को लौटे थे। एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वारंटीन में थे। विश्राम गृह संदासू के परिसर को सील कर दिया गया है। ये शिमला जिला का 5वां मामला है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज 28 मई से बदलने वाला है। 28 मई से 30 मई तक प्रदेश के निचले एवं मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में भारी बारिश व ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। बारिश होने से एक ओर जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है, तो वहीं ओलावृष्टि किसानों व बागवानों की समस्याएं भी बढ़ा सकती है। वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में काम धंधा करने वाले हिमाचलियों की घर वापसी के बाद प्रदेश सरकार इन लोगों की स्किल मैपिंग करवाने जा रही है, ताकि इन्हें प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। ये बात पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वहीं कंवर ने कहा कि सरकार ने गौशाला संचालकों को प्रति गाय 500 रुपए देने का निर्णय लिया है, ताकि गाय के चारे का प्रबंध हो सके। सीएम जयराम ठाकुर के प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने के बयान पर विपक्ष द्वारा साधे जा रहे निशाने को लेकर कंवर ने विपक्ष पर पलटवार किया है। कंवर ने कहा कि जो चीज हुई ही नहीं, कांग्रेस को उस पर हो हल्ला करने की पुरानी आदत है। वहीं कंवर ने कहा कि सैनिटाइजर घोटाले की प्रदेश सरकार द्वारा विजिलेंस जाँच करवाई जा रही है। कंवर ने कहा कि जो भी इसमें शामिल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब हमने एक पूरे प्रदेश के अंदर कि हम स्किल मैपिंग करेंगे, हमारा विभाग जो है वो बाहर से आए हुए जो कामगार हैं, जो नौजवान हैं, वो प्रदेश के अंदर आए हैं और यहाँ पर बेरोजगार हैं, लेकिन उनका उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है जो जहाँ पर काम करते थे। हम इस की जो है वो जो उसके लिए स्किल मैपिंग करेंगे और एक पोर्टल जो है वो बनाएंगे, और हम लोग प्रदेश के अंदर जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो मत्स्य पालन, पशुपालन,
डेयरी फार्मिंग में, मधुमक्खी पालन में, हम इस तरह से उन जो हमारे स्किल्ड लेबरर्स हैं हम उनका जो है वो सदुपयोग हिमाचल प्रदेश के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से विजिलेंस की उनकारी बैठाई है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, सरकार ने पहले ही कहा कि हम करप्शन के ऊपर जो है वो हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी और उसके ऊपर जो भी चाहे वो कोई बड़ा नेता भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विपक्ष तो अजन्मे का भी जो है वो विरोध करना शुरू कर देता है। लॉकडाउन के चलते विभिन्न कारणों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे लोगों को भारत वापस आने के लिए जिस देश में वे फंसे हुए हैं वहां स्थित भारतीय मिशन के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि भारत लौटने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिकृत व्यावसायिक उड़ानों अथवा मिलिट्री अफेयर्स विभाग या शिपिंग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित समुद्री जहाजों के माध्यम से सफर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हवाई सेवा या समुद्री जहाज में उसी स्टाफ और क्रू मेंबर को अनुमति दी जाएगी जिनके कोविड 19 के टेस्ट नेगेटिव होंगे। डीसी ने बताया कि प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, अल्प अवधि वीजा धारकों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पारिवारिक सदस्य की मृत्यु और मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्री को यात्रा पर होने वाला खर्च स्वयं वहन करना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकृत आवेदनों में दर्ज विवरण के आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा डाटाबेस तैयार करके उसे संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा। संदीप कुमार ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा भारत आने वाली उड़ानों एवं समुद्री जहाजों का शेड्यूल 2 दिन पूर्व ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यात्री को इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने जोखिम पर यात्रा कर रहा है और केवल उन्हीं को भारत की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोविड 19 से संबंधित कोई लक्षण ना हो। नगरोटा बगवा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को प्रशासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। गौरतलब है कि 300 के करीब किसान बीज लेने के लिए कृषि केंद्र पहुंचे थे, लेकिन कृषि विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। किसान सुबह 7 बजे ही कृषि केंद्र पहुंच चुके थे, हालांकि कर्मचारी करीब 10 बजे पहुंचे। पहले बीज लेने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर कर्मचारियों से ही उलझने लग पड़े। समय पर बीज न मिलने के चलते किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख कृषि विभाग को पुलिस बुलानी पड़ी। सूचना मिलते ही ASI अशोक राणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए किसानों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। थाना प्रभारी भरत भूषण ने कहा कि कानून की अवहेलना करने पर कृषि विभाग के कर्मचारियों और कुछ किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। उधर SDM शशिपाल नेगी ने कहा कि लोगों को इस समय बीज की जरूरत है, लेकिन विभाग ने उचित प्रबंध नहीं किया था जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। आज जैसे कि यहाँ नगरोटा बगवा में जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो सीड्स का स्टोर है वहाँ पे जो थो काफ़ी भारी संख्या में लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए थे सीड्स कलेक्ट करने, क्योंकि बीच में कुछ 2-3 दिन के हॉलीडेज भी थे और इनके पास नया सीड वगैरह आया था तो उसको लेने के लिए लोग जो थे वो पूरे सब डिवीज़न से यहाँ इकट्ठे हुए थे, लगभग 200-300 के आसपास लोग। और कोशिश तो की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो था वो पूरा फॉलो करवाया जाए, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर मजबूरन ये करना पड़ा कि स्टोर को बंद करवाना पड़ा आज। और अभी डिपार्टमेंट वालों को वैसे पहले भी हमारी तरफ से बताया गया था कि इसको जो था वो स्ट्रिक्टली जो था वो फॉलो करवाया जाए, लेकिन अब SHO साहब भी यहाँ पे हैं, बाकी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी हैं, अब इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको भी करेंगे और साथ में ये भी आगे के लिए अब व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि ये पूरे किसान हैं, अब इनको सीड्स की भी ज़रूरत है, वो भी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं क्योंकि कोरोना महामारी से हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो, सभी लोग हों, अपने स्तर पर हम लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं फिर वो उस पूरे जो काम है हमारा उसको ज़ीरो कर देती हैं। तो बगवा में किसी वितरण केंद्र के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे जिनको वहाँ समझाया गया, परंतु वह नहीं माने और किसी विभाग द्वारा भी किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ नहीं की गई थी और लोगों द्वारा भी उनको समझाने पर उनकी नाराबाजी की गई है, जिस संदर्भ में हमने पुलिस थाना में करीब 15-20 लोगों के खिलाफ व कृषि विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जमकर दर्ज किया है।
पांवटा और माजरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हफ्ता पहले रेड जोन से आने वाले 70 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 12 लोग पांवटा के हैं और 58 लोग माजरा के हैं। इनमें से पुलिस विभाग की कुछ महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। ये सभी लोग अलग अलग राज्यों के रेड जोन एरिया से आए हुए हैं। एक सप्ताह से ये अपने घर में ही होम क्वारंटीन थे। इस दौरान PMO डॉक्टर देओल ने बताया कि सभी के सैंपल रूटीन में लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ सैंपल उन लोगों के भी हैं जो माजरा PSC सेंटर में जुकाम खांसी की दवाई लेने आए थे। उन्होंने कहा कि सबकी रिपोर्ट बुधवार शाम तक आएगी। आज माजरा PSC में सैंपल लेने का प्रोग्राम रखा है। टोटल केस यहाँ 58 हैं। मैक्सिमम इनमें रेड एरिया से आए हुए केस, रेड जोन से जो आए हैं वो इनको लगभग एक हफ्ता हो चुका है वहाँ से आए हुए। रूटीन प्रक्रिया के तहत हम एक हफ्ते बाद ही सैंपल लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो OPD में आए थे और जिनमें ILI वाले सिम्टम्स हैं, तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत हम ये सारे सैंपल ले रहे हैं। इनके रिजल्ट कल शाम 5 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं बिलासपुर के लिए भी IGMC शिमला से सोमवार को राहत भरी खबर आई है। बिलासपुर के COVID-19 के तहत लंबित 62 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। हालांकि मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 48 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन सैंपल्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। जिला मंडी के विकास खंड द्रंकी पंचायत कोफरी के थरकी में आग लगने से एक गौशाला जलकर राख हो गई। आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य कश्मीर सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे जयदेव की गौशाला में आग लग गई। वहीं अंदर बांधे 2 बैल और 3 बकरियों को लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन गौशाला में रखा घास और इमारती लकड़ियां जलकर राख हो गई। जयदेव IRDP परिवार से संबंध रखता है और अपंग भी है। कश्मीर सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि जयदेव को उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब TV हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।